वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग एक पेमेंट एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अमेजन पे। बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक के ऊपर क्लिक करना है, अमेजन का ऐप को ओपन करना है और अमेजन पे पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर वेरीफाई करना है। बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद से अगर आप पहला ट्रांजेक्शन करते हो, पहला ट्रांसफर करते हो तो आपको 2000 तक का कैशबैक मिल सकता है। साथ ही साथ अमेजन पे का UPI से अगर आप कहीं पर भी पेमेंट करते हो तो बहुत सारा डिस्काउंट आप लोग को मिल जाता है। तो आप लोग जरूर इसको डाउनलोड कीजिए और जरूर इस पर रजिस्टर कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच हेल्पन। कैसे हैं आप लोग? तो इस वीडियो में हम लोग तीन न्यू नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो आप लोग को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। खासकर हम लोग जॉब्स के बारे में बात करेंगे जो इग्नू की तरफ से ऑफर की जा रही है। साथ ही साथ एग्जामिनेशन फॉर्म के रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है और रिजल्ट और इवेल्युएशन के रिगार्डिंग भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कम्प्लीट देखिएगा ताकि आप लोग को सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा और इग्नू के रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट के लिए या जॉब के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है इग्नू में तो आप लोग मुझे डायरेक्टली कॉल करके अपना डाउट पूछ सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करो, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग एग्जामिनेशन फॉर्म के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन देना था उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग जॉब के रिगार्डिंग बात करेंगे जो इग्नू की तरफ से ऑफर की जा रही है। जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म का लास्ट डेट 20 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है विदाउट लेट फाइन। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है स्टूडेंट्स को कि जब भी वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो उनका पैसा तो बैंक से कट जा रहा है लेकिन एग्जामिनेशन फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट नहीं हो रहा है। जब वो लोग अपना एनरोलमेंट नंबर सर्च यहाँ पे कर रहे हैं तो उनका एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड बता रहा है, जबकि उन्होंने पेमेंट कर दिया और पेमेंट उनका बैंक अकाउंट से कट भी गया। तो उस सूरत में आप लोगों को करना ये होगा, देखो जैसे ही आप लोग का पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है ना तो आपके ईमेल पे एक मेल आता है, ठीक है। उस मेल में ये लिखा रहता है कि आपका ट्रांजेक्शन, वी नोटिस दैट योर ट्रांजेक्शन थ्रू आवर पेमेंट गेटवे इज कम्प्लीटेड, ठीक है। वहाँ पे देखो मर्चेंट नेम ignu.ac.in लिखा हुआ है, डेट टाइम ट्रांजेक्शन आईडी और पेमेंट आईडी और ट्रांजेक्शन अमाउंट भी लिखा हुआ है। तो इसका ये जो मेल आएगा उसका स्क्रीनशॉट आप लोग को रख लेना है। और इग्नू ने ये बोला है कि आप लोग को जिस दिन अभी आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया, सपोज अगर किसी स्टूडेंट्स ने आज फिलअप किया तो 72 वर्किंग आवर तक वेट करना होगा। वर्किंग आवर मीन आज कल फ्राइडे है, ठीक है, तो उसके बाद सैटरडे संडे को आपको काउंट मत करना, उसके बाद मंडे ट्यूसडे, ठीक है, 3 वर्किंग डे हो गया, 72 आवर हो गया। अगर इसके अंदर आप लोग का यहाँ पे फिर चेक करते रहना, यहाँ पे अगर सक्सेसफुल शो करते रहा तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर 72 आवर्स के बाद भी अगर यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड शो कर रहा है तो आपको करना ये होगा कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म दोबारा फिलअप करना होगा। अब जो पैसा जो आप लोग का कटा हुआ है वो पैसा या तो जो पेमेंट गेटवे जहां से आपने पेमेंट किया है वहां से रिफंड हो जाएगा। कहां पे रिफंड होगा? जिससे जिस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या UPI से आपने पेमेंट किया उसमें रिफंड हो जाएगा। या तो अगर रिफंड नहीं हुआ तो आपको हॉल टिकट जनरेट होने के बाद आपको इग्नू के पास मेल करना होगा और आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, ठीक है। आपका पैसा कहीं पे नहीं जाएगा, पैसा आपके पास आ जाएगा अगर पैसा कट गया है और आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट नहीं हुआ है। तो बस आप लोग को यही करना है कि जो आपके पास मेल आएगा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल का या आपके पास मैसेज भी आया बैंक का, उसको आपको संभाल के रखना, उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है, उसको भेजोगे तो आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन फॉर्म का रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। और मेल कहाँ पे करना है? tarmanexam@ignu.ac.in। अभी अगर कर दोगे तो अभी वो लोग प्रोसीड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हॉल टिकट जनरेट होने के बाद वो लोग कर देंगे, ठीक है। लेकिन पैसा आपका मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इग्नू ने बोल दिया कि 72 आवर्स तक वेट करो, अदरवाइज दोबारा एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दो, पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। तो ये एग्जामिनेशन फॉर्म रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। उसके बाद से अब हम लोग जॉब के बारे में बात करेंगे। ये जो जॉब का नोटिफिकेशन आया इग्नू की तरफ से ये काफी अच्छा है। हाल फिलहाल जितने भी इग्नू की तरफ से जॉब का नोटिफिकेशन आया उसके मुकाबले में सबसे अच्छा है। कनेक्शन बैक ऑफिस सर्विस लिमिटेड के तरफ से ये कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव चल रहा है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें ज्यादा सैलरी अच्छी मिल रही है और ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं बताया गया, यानी कि आपको 2 लाख से 3 लाख यानी कि 17 से 25 हजार रुपए तक पर मंथ सैलरी मिलेगा। इसमें जो रिक्वायरमेंट है ये है गुड कम्युनिकेशन इंग्लिश, यानी कि मैं आपको बता दूं कि ये सब जितने भी रिक्वायरमेंट होते हैं ना उसमें नॉर्मली जो इंटरव्यूअर होते हैं वो आपका सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल यानी कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स ही चेक करते हैं। वो नॉर्मली आपसे पूछेंगे कि टेल मी समथिंग अबाउट योर लास्ट डे, टेल मी समथिंग अबाउट योर लास्ट बर्थडे, टेल मी समथिंग अबाउट हाउ यू स्पेंड योर लास्ट डे, टेल मी समथिंग अबाउट योर स्कूल डेज। तो वो लोग उनको स्कूल डेज या आपके बर्थडे में इंटरेस्टेड नहीं है, वो ये देखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो अपने बर्थडे का दिन को या किसी भी चीज को किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो इंग्लिश में, ठीक है। तो बस आप लोग ये सारा चीज अगर समझ लोगे ना या आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा रहेगा तो आप लोग को मिल जाएगा ये जॉब, ठीक है। ये दिल्ली और NCR के लिए ही है और खासकर ये बात है कि 0 से 6 मंथ, यानी कि फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर आपका नहीं रहेगा तब भी हो जाएगा, ठीक है। क्राइटेरिया यही है एजुकेशन में कि ग्रेजुएट होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो या पढ़ रहे हो तब भी चलेगा, लेकिन ये सिर्फ इग्नू के एक्सपीरियंस के लिए ही है। और आपको इग्नू का आई कार्ड लेके जाना होगा और 2 कॉपीज ऑफ अपडेटेड CV ये लेके जाना होगा, बस और कोई भी जरूरत नहीं, ठीक है। अगर इसके अलावा और कोई डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से होता है।
फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, और इसमें नॉर्मली जितने भी ये जिस तरीके का जॉब होती है उसमें ऐसे ही पूछा जाता है, सिर्फ आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक किया जाता है, वो अलग अलग वे में वो एचआर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से पूछे। ठीक है, तो ये आप लोग ये नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लेना, जो भी इस दिन दिल्ली या एनसीआर के पास में रहते हैं वो लोग जरूर यहाँ पे इस इंटरव्यू में अपेयर करना, बहुत अच्छा है, सैलरी भी अच्छा है और जॉब का रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना। और रिवैल्यूएशन रिजल्ट के बारे में बता दूं मैं कि 7 अक्टूबर तक तो अपडेट किया गया है, लेकिन अभी तक मेरे पास जितना रिकॉर्ड है ज्यादा स्टूडेंट्स का तो मैं नहीं चेक कर पाया हूँ, लेकिन जितना स्टूडेंट्स का चेक कर पाया उसमें मैंने बीएससी का कुछ पेपर था 101 या 102 था उसका अपडेट हुआ है, इको 9 का मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट का अपडेट हुआ है, एमसीओ 07 का अपडेट हुआ है, ईईसी 11 का अपडेट हुआ है, ACS 01 का अपडेट हुआ है, ठीक है, और MT 8 का अपडेट हुआ है। ठीक है, ज्यादातर मुझे रिवेल्यूशन का रिजल्ट का अपडेट नहीं मिला है, इतना ही अपडेट मिला है, तो वो आप लोग चेक कर लेना। इसका हर वक्त ही टाइम लगता है और इस बार भी टाइम लगेगा, थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। और जहां तक टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट के बारे में मैं बताऊं तो टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट का जितने स्टूडेंट्स का पेंडिंग था सबको ऑलमोस्ट भेज दिया गया है, जो जहां से अपडेट होता है, बस नेक्स्ट अपडेट जब भी आएगा ना उसमें आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हालांकि अभी टर्म एंड एग्जामिनेशन का लास्ट जो अपडेट है वो 1 अक्टूबर तक ही शो हो रहा है, काफी दिन हो गए रिजल्ट का अपडेट किए हुए, लेकिन जो नेक्स्ट अपडेट आएगा यानी कि आज 10 अक्टूबर हो गया, नेक्स्ट अपडेट जो आएगा उसमें आप लोग का मार्क्स अपडेट कर दिया जाएगा जिनका भी पेंडिंग था। ठीक है, तो आप लोग आराम से एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर देना और 20 अक्टूबर तक डाउट रिफाइन आप लोग फिलअप कर सकते हैं। उसके बारे में तो मैंने बता ही दिया कि अगर आपका कोई भी इशू हो तो आप लोग उसके लिए कैसे कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए अगर आपको डिस्काउंट की जरूरत है तो आप लोग गूगल पे से पेमेंट कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग कर सकते हो अगर आपको डिस्काउंट की जरूरत है तो। ठीक है, तो यही सब था इस वीडियो में, मैं आप लोग को ये सभी इन्फॉर्मेशन बताना चाहता था कि जो 3 न्यू नोटिफिकेशन हुआ यानी कि जॉब वैकेंसी फॉर्म और रिजल्ट के रिगार्डिंग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो पसंद आएगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस बात की इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अगर आप लोग एज हेल्पलाइन को सपोर्ट करना चाहते हो, कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप सपोर्ट भी कर सकते हो, उसके लिए भी इंस्टा मौजूद का डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके अपना डाउट पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।